हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है गाइस कि आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इन 10 पे, जहां पर आपको 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस में किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है गाइस, इस चैनल पर जितने भी डेली आपके करंट अफेयर अपडेट होते हैं उन सभी पर 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मालूम है कि आज के समय में सभी एग्जाम में जितना भी है मोस्टली करंट अफेयर का वेटेज पूछा जाता है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स में अगर हम देखा जाए तो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट आपका जीए आता है तो इसमें आपका करंट अफेयर का मैक्सिमम वेटेज है। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सबको बिगिनिंग से एंड तक जरूर देखिए। एंड दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कंपनी के बारे में जो अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक फूड सेफ्टी को लेकर के कंपनी लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड नंबर ऑफ जितने भी इनिशिएटिव और कंपनी थे वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। हमने एक राज कौशल पोर्टल नाम का एक स्कीम भी पढ़ा था राजस्थान से जो रिलेटेड था, जिसके अंदर वहाँ के स्टेट्स के एम्प्लॉय को लोगों को जॉब मुहैया कराने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये जो फूड सेफ्टी कंपनी है इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मेन एम है लॉन्च करने का। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग है। तो उससे जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप एग्जाम में किस कैटेगरी की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जुड़ने के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, उनके आप डेली अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस इन सब एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे चैनल से रिलेटेड। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा करंट अफेयर्स इन 10 है। और दूसरा, अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए बैंक एग्जाम कैटेगरी के लिए एनरोल करते हैं तो इसका कॉस्ट कितना जाएगा आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान को एनरोल करते हैं तो ये याद रखिएगा ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT5 है। और सिमिलर अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए एनरोल करते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। गाइस, आइदर सेलेक्ट फॉर 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, 10% स्ट्रीट डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा रेफरल कोड है SKT5। चलिए अब बात करते हैं प्योर फॉर श्योर। तो ये एक वीक लॉन्ग कैंपेनिंग है जो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। तो 8 जुलाई को जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं जिसका नाम है रघु शर्मा, ठीक है, तो जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं रघु शर्मा, उन्होंने 8 जुलाई को एक वीक लॉन्ग कैंपेनिंग लॉन्च किया जिसका मेन थीम उन्होंने क्या रखा, प्योर फॉर श्योर। ठीक है, यानी कि ये 8 जुलाई को लॉन्च किया गया और कहाँ तक जाएगा, 14 जुलाई तक। तो ये एक 1 वीक का पूरा प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका जो मेन एम है वो याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम का, इस कंपनी का मेन एम क्या है, एंश्योर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वीक लॉन्ग कैंपेनिंग के अंदर जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि हम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की जो शुद्धता है, ठीक है, प्योरिटी है, उसको पूरी तरीके से एंश्योर कर सके, ये इस प्रोग्राम का मेन एम। ठीक है, द फूड सेफ्टी ऑफिस आर प्रोवाइडेड, ठीक है, विद द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द सैंपल। तो इसके तहत जो फूड सेफ्टी ऑफिसेस हैं उनको वो मशीनरी और वो उपकरण प्रोवाइड किए गए जिसकी मदद से वो आसानी से फूड सैंपल्स को चेक कर सकते हैं एंड डेयरी जो प्रोडक्ट्स उनके सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। द डिविजनल लेवल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी विल बी यूज फॉर दिस कंपनी। तो इस कंपनी में डिविजनल लेवल की फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि किस तरीके से हम खाने की और दूध की गुणवत्ता, डेयरी प्रोडक्ट है इनके गुणवत्ता को बेहतर देख सकें और चेक कर सकें। ठीक है, द फूड सेफ्टी ऑफिसेस विल अपलोड द रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सैंपल्स ऑन द FSSAI, ठीक है, FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐप। एंड द ऑफिसर्स आर डायरेक्टेड टू अपडेट द कंपनी रिपोर्ट टू द हेडक्वार्टर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसेस होंगे ये अलग अलग एरियाज में अपना टारगेट यानी कि मुहिम चलाएंगे और वहाँ पर जाकर के जो भी डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट हैं
उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता का पहचान करेंगे, और उनकी जो क्वालिटी और गुणवत्ता की पहचान है, ठीक है, वो पूरी भी रिपोर्ट जो भी ऑब्जर्व करने जाएंगे उन्होंने सबमिट करनी होगी ए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसको डेली बेसिस पर रिपोर्ट जाएगी और इसको वो अपनी साइट पर पब्लिश करने का काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम खाने की यानी कि मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बेहतर मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रूल्स व्हेन द सैंपल्स फेल द टेस्ट। तो अगर ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जिस मशीनरी उपकरण की मदद से अगर ये सैंपल लेते हैं और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट जो डिलीवर करने वाला पर्सन है वह गुणवत्ता को मेंटेन करने में फेल होता है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है कि क्या एक्शन लिया जाएगा, बट हाँ ये क्लियर है कि अगर जो इस टेस्ट में फेल होता है तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हम इसकी बात करने जाए, ठीक है, FSSAAI, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसने ऑलरेडी फूड सेफ्टी सर्वे भी पब्लिश किया था, जिसमें सबसे टॉप पोजीशन बड़े राज्यों में कौन सा था, फूड सेफ्टी सर्वे, तो मालूम है ना आपने, ये पढ़ा होगा 2020 का, सबसे लार्ज स्टेट्स में याद रखिएगा जो टॉप पर था वो कौन सा था, गुजरात, छोटे स्टेट्स में कौन सा, गोवा और यूनियन टेरिटरी में, तो ये रिपोर्ट देखी होगी, ठीक है। अब अगर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करने जाएं तो इसके चेयरपर्सन याद रखिएगा, ठीक है, रीता जी हैं, सीईओ का नाम है अरुण सिंघल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव कुमार जैन, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, न्यू दिल्ली, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा एक और राजस्थान में स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है राज पोर्टल, तो ये बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड की हुई हैं, तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं प्रीवियस जा करके, ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा गाइस, लाइक कीजिएगा इस वीडियोज़ को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स इन टाइम, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और जब भी आप किसी भी अनअकैडमी कोर्स के लिए एनरोल करने जाएं तो आप इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट 10% तक का स्ट्रेट डिस्काउंट पा सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।